अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है YouTube फैमिली का होममेड कुकिंग विद नैना फोर्ट में। और ये मेरी छोटी सी ननी मुन्नी सी फैमिली जो कि बहुत ही अभी थोड़ी सी है, इंशाल्लाह मेहनत करती जाऊंगी और ये फैमिली मेरे साथ कनेक्टेड होती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यमी सी और टेस्टी सी रेसिपी जो है ना, ये जो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी क्या है कि गर्मी आ गई है और हमें गन्ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने गन्ने के बगैर ही गन्ने का जूस बना लेना है, तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया गुड़ और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए पुदीना। ठीक है, भरके पुदीना डाले, पुदीने से तो बहुत ही टेस्टी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे काला नमक ऐड करें, ये टेस्ट इतना अच्छा को देता है ना, आपका बिल्कुल वो स्टाइल से ये जूस बन जाएगा गन्ने का जैसे हम बाज़ार में गन्ने का जूस लेते हैं। पानी ऐड करें भरके, और इसके साथ मैं ऐड करूँगी आइस क्यूब, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में आइस क्यूब तो ऐड करना ही होते हैं हमने। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ जो ये रेसिपीज़ जूस की जो शेयर कर रही हूँ, वो डिफरेंट डिफरेंट जूसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में जूसेस वगैरह ही ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, इसमें लेमन हम ऐड करेंगे, एक तो ये टेस्ट अच्छा रहेगा, खुशबू आएगी लेमन की, और दूसरा ये होगा कि थोड़ा सा खट्टा मीठा भी ये हमारा जूस हो जाएगा, तो बहुत ही यमी सा बनेगा। और पुदीना तो वैसे ही बहुत हाजमेदार है, तो ये बहुत ही यमी सा बन जाएगा जूस। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है जो यूट्यूब, तो आप लोग ज़रूर इसको वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। ठीक है, तो अभी ये फैमिली मेरी छोटी है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें आएंगे, इनक्रेज होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं भूलूंगी जो स्टार्ट से मेरे साथ इन टच में है। तो आप लोग ये देखें कितना यम्मी सा ये जूस बनेगा। अभी इसको ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है, गुड़ जो ना हमेशा उसको तोड़ के ही डालना, क्योंकि गर्मी है तो वो हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखें कितना मज़े का ये जूस रेडी हो चुका है। इसको मैं ग्लास में सर्व करती हूँ और आप लोगों के तो मुँह में पानी आएगा, क्योंकि ये जो जूस है ना, कोई भी इसको नापसंद नहीं करता, गन्ने का जूस हो या गुड़ हो, कोई भी इसे ना नहीं करता है, सब सबका फेवरेट होता है। ठीक है, तो अब मैंने गर्मी में भी ये बना दिया और घर बैठे आप 5 मिनट में बना लेंगे, क्या बात है, ये तो सबकी मुश्किल ही आसान हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जूस हमारा रेडी हो गया है, बस इसके ऊपर पुदीना हम लगा रहे हैं ताकि सर्विंग के लिए अच्छा रहे। ठीक है, आप लोगों को ये जूस कैसा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, और ये मेरी फैमिली जो है ना, इंशाल्लाह मुझे आगे तक लेके जाएगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रही है। ठीक है, जो न्यू कमेंट्स आ रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी क्लिक करें, ठीक है, और अपना फीडबैक देते रहा करें। और यहाँ पर देखें ये जूस कितना यमी सा बन गया हुआ है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला की शान है, देखें कितना यमी बन गया हुआ है। चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।